नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की आज हमारी दिल्ली पुलिस की 24वीं क्लास है। घातांक कुलकर्णी कल हमने कंप्लीट कर दी थी। आज नया टॉपिक है एवरेज औसत। देखो औसत एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जितनी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को जोड़कर और नंबर ऑफ नंबर्स जितनी संख्या है उनका भाग दिया जाता है। जैसे मैं कहूं कि 3, 4, 5, 6 का एवरेज बताना है तो 4 संख्याएं हैं, चारों को जोड़ो और नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 4, 4 का भाग देंगे, ये एवरेज आएगा। जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़कर और जितनी संख्याएं हैं नंबर ऑफ नंबर्स का भाग देंगे, दैट इज एवरेज। देखो एक प्राकृत संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। प्राकृत संख्याएं मैंने बताया था कि प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है प्राकृत संख्याएं होती है। एक सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर होते हैं। सम संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्याएं होती है। ओड नंबर होती है, विषम संख्याएं होती है। विषम संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, 1, 3, 5, 7, ये सभी विषम संख्याएं होती है। तो नो टाइम्स क्वेश्चन में सबसे पहले यही क्वेश्चन बनते हैं कि मैं कहूं कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताना है। तो जब भी प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाता है तो तुम्हें अंतिम संख्या में 1 जोड़कर 2 का भाग देना है। ये रट्टाफिकेशन की बात है और क्यों देना है ये मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूं कि जब भी प्राकृत संख्याओं का एवरेज पूछा जाए तो लास्ट संख्या में 1 जोड़कर 2 का भाग देना, बस सिर्फ ये ध्यान रखना है। 2 बातें हैं। प्रथम, 80 सम संख्याओं का औसत बताओ, सम का औसत बताओ। तो सम संख्याओं का औसत वही होता है जितनी सम संख्याओं का औसत वो होता है जितनी सम संख्याएं हैं उनमें 1 जोड़ दिया जाता है, बस दैट इज एवरेज। प्रथम का मतलब जितनी भी संख्याएं हैं सारी सम संख्याएं हैं, प्रथम का मतलब ये होता है। और मैं कहूं कि 1 से 80 तक सम संख्याओं का एवरेज बताओ, तो 1 से 80 तक यानी कि आधी सम होती है, आधी विषम होती है। जिनमें 2 का भाग जाता है वो इवन नंबर, 2 का भाग नहीं जाता ओड नंबर। तो 1 से 80 तक सम संख्या हो गई 40, और 40 में क्या जोड़ देंगे एवरेज के लिए, 1, तो इसका एवरेज आएगा 41। उसी तरह विषम संख्याओं का औसत वही होता है जितनी विषम संख्या है। मैं कहूंगी प्रथम 80 विषम संख्याओं का एवरेज, तो विषम का जो औसत होता है जितनी विषम संख्याएं हैं वही उसका एवरेज होता है, इसका एवरेज 80 आएगा। और वही 1 से 80 तक पूछू तो 40 होगा। 1 से स्टार्ट होती है तो उसमें आधी सम होती है आधी विषम होती है। मैं कहूंगी 1 से 73 तक विषम का औसत क्या है, तो विषम का औसत वही होता है जितनी विषम संख्या है। तो 1 से 72 का आप ज्यादा करो 36 और 36, पर जो 73वीं संख्या है वो विषम है, तो इसका मतलब विषम हो गई 37 इसमें और सम हो गई 36। यदि विषम का औसत पूछे तो 37 आंसर, यदि 1 से 73 तक सम का औसत पूछे तो जितनी सम संख्याएं हैं उनमें 1 जोड़ दिया जाता है, तो सम संख्याओं का औसत कितना आएगा 7। सम के औसत जब भी निकालो, सम का औसत निकालो तो 1 जोड़ना है, विषम का एज इट इज रहता है। प्राकृत का औसत 1 जोड़ो 2 का भाग। देखो एक तो प्राकृत संख्याओं का योग होता है, प्राकृत जितनी भी संख्याएं हैं 1 से स्टार्ट करके कितनी भी संख्याओं का यदि
योग पूछा जाता है तो ये होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये होता है। यदि वर्गों का योग पूछा जाता है, वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन अपॉन सिक्स, ये होता है। यदि सम संख्याओं का योग पूछा जाता है तो ये होता है n इंटू एन प्लस वन। यदि विषम का योग पूछा जाता है तो ये होता है n स्क्वायर। और यदि प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछा जाता है तो ये होता है, जो प्राकृत संख्याओं का योग होता है एज इट इज लिख करके और इसका स्क्वायर करना है, ये योग होता है। एक बात ध्यान रखनी है कि एक तो होता है योग और एक होता है एवरेज औसत। औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि मैं कहूं कि एक से सौ तक प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, तो औसत चूंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, एक से सौ तक संख्याएं जोड़ेंगे और सौ का भाग देंगे, जोड़ेंगे इस उत्तर से n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, इससे जोड़ेंगे और फिर भाग भी किसका देना है, टोटल संख्या कितनी है 100, तो जोड़ेंगे जब भी n का मान 100 ही देना है हमें, 100 रे 101 बटे दो, और औसत निकालने के लिए भाग भी हमें, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं 100, तो वही जोड़ेंगे भाग देंगे जब भी 100 का, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या 101 बटा दो, वही 50.5। तो मैंने बताया है कि प्राकृत का औसत निकालने के लिए अंतिम संख्या में एक जोड़ेंगे दो का भाग देंगे वो ही आएगा 50.5 आएगा, ठीक है। जोड़ेंगे जब भी n के स्थान पर 100 लिखेंगे भाग भी 100 का देंगे, n का मान दोनों बार 100 रहेगा। तो मोटी बात यह है कि एवरेज जब भी पूछा जाए तो इन योग वाले सूत्रों में एक n को यदि काट दोगे तो वो जो बच जाएगा वो एवरेज का सूत्र बच जाएगा। एवरेज पूछे तो इन योग वाले सूत्रों में एक n को काट दो औसत निकल जाएगा, यदि n को इंक्लूड रखोगे तो योग हो जाएगा। मैं कहूं कि एक की दो, दो की दो, तीन की दो, दस की दो, इसका एवरेज बताओ, उससे बताओ, तो सबसे पहले क्या करोगे, एक से दस तक वर्गों को जोड़ोगे और फिर दस का भाग देना है, और यदि एक n को पहले काट दोगे तो ये जो बच गया ये एवरेज का सूत्र बच गया, n की जगह लिखेंगे अंतिम संख्या है दस, दस और एक 11 और दस दून 20 और एक 21 और अपॉन 6 3 7 3 दूनी और 70 बटे 2 यानी कि 43.5 आ जाएगा ना, दो तिया 6 38.5 आ जाएगा। मोटी बात यह है कि योग वाले सूत्रों में n को काटने के बाद एवरेज का सूत्र बच जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन आए कि सोम मंगल और बुध का औसत तापमान, बुध का जो एवरेज तापमान है औसत तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस है, मंगल बुध और बृहस्पति इन तीनों का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस, केवल बृहस्पति का तापमान यदि 50 डिग्री है तो सोम का तापमान होता है। तो इस तरह का दोनों से क्वेश्चन है, ये संख्याओं में भी आ सकता है कि पहली तीन संख्याओं का, फिर अगली तीन संख्याओं का, चौथी संख्या ये है पहली संख्या का मान, तो ये संख्याओं में आए या सोम में आए, तो तीनों का जो एवरेज है वो 45 डिग्री सी है। एक तो जब भी सेल्सियस को फारेनहाइट में जब भी बनाना हो तो फारेनहाइट का सूत्र लिख लो 9/5 सी जमा 32 होता है। जब भी सेल्सियस से फारेनहाइट बनाओगे ताप की चार इकाइयां होती हैं, सेल्सियस फारेनहाइट केल्विन और जूमर चार इकाइयां होती है। सेल्सियस को जब फारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो 9/5 सी का मान जो सेल्सियस का मान दे रखा है 9/5 से गुणा करना है, 9/5 से गुणा करना है और 32 जोड़ करना है। अब देखो सोम यानी मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, सॉरी मंडे ट्यूसडे हाँ वेडनेसडे, इन तीनों का कुल तापमान हो गया
एवरेज 45 है तो तीनों का तापमान कुल निकालने के लिए हमेशा गुणा किया जाता है। उसके बाद ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे इनका दे रखे 40 डिग्री सेल्सियस तो तीनों का कुल आ गया 120। अब अकेला थर्सडे का दे रखे हमें 50 डिग्री। तो जब सोम का निकालना है ना तो एक तो कंडीशन ये है कि तीनों में से ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे में से थर्सडे ये घटा दोगे तो दो का बच जाएगा, फिर तीनों में से दो घटा दोगे या इस थर्सडे को इस शुरू वाले तीनों में जोड़ दो, इसमें मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे इसमें थर्सडे और जोड़ दो तो तीनों का तो है 135 और थर्सडे अकेले का है 50 तो चारों का होगा 185। 185 में से यदि ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे इन तीनों का घटा देते हैं, तीनों का है 120 तो इन चारों में से जब तीनों घटाओगे तो अकेला सोमवार का जो बचेगा वो 65 डिग्री सेल्सियस बचेगा। ट्यूजडे से ट्यूजडे कैंसिल, वेडनेसडे थर्सडे मंडे बचेगा। इस चौथे को तीनों में जोड़ दो तो चार हो गए, चारों में तीनों घटाओगे तो एक का बचेगा। ठीक है, देखो मैं कहूं कि पांच कर्मागत सम संख्याओं का जो एवरेज है औसत है यह है 27 है। तो इनमें बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है। सम संख्याओं टोटल संख्या है 5, टोटल संख्या है 5 या फिर टोटल संख्या मैं कहूं कि 6 या मैं टोटल संख्या कहूं 7। तो एक बात बताओ यहां यदि 6 संख्या है, देखो टोटल संख्या है 6 तो मोटी बात यह है कि 6 का बीज तो बढ़ता नहीं है, 6 का बीज नहीं बढ़ेगा, लेकिन यह कंडीशन होती है कि सम का औसत हमेशा विषम में रहता है और विषम का औसत सम में रहता है। इस औसत को हमेशा बीच में रखो। अब टोटल 6 संख्याएं हैं पर ये है सम संख्या है तो 3 आगे आएंगी, 3 पीछे आएंगी, पीछे जैसे यहां 27 है, 26 और 22 दिया गई, 28 30 32 बड़ी पूछे तो 32 और छोटी पूछे तो मैं कहूं कि 4 संख्याएं हैं और ये विषम है और इनका एवरेज है ये 28 दे रखे है। तो चूंकि जब 4 का बीज बढ़ता नहीं है तो बीज नहीं बढ़ेगा तो विषम का औसत हमेशा सम में मिलेगा और सम का औसत विषम में मिलेगा, 28 को रखो बीच में, टोटल संख्या 4 और विषम है तो इससे छोटी विषम आगे 27 25 30 29 तो बड़ी संख्या आ गई 31। टोटल 4 संख्याएं हैं, चारों को जोड़ के यदि 4 का भाग होगे तो 28 होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में बड़ी और छोटी ऐसे एक क्वेश्चन लिखो, 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का जो एवरेज है जो औसत है यह है 20 है और यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब सुनो टोटल संख्या है 12 संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज है ये 20 दे रखे है। अब प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया तो या तो प्रत्येक संख्या को गुणा करेंगे या प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे। तो तुम्हें एक ही बात ध्यान रखनी है कि यदि गुणा किया गया है या जोड़ा गया है, यदि गुणा किया गया है तो नया औसत बगैर समय खराब करे तुम्हें जो दिया गया औसत है, दिया गया जो एवरेज है, इसको गुणा की गई संख्या औसत है हमारे पास 20 और गुणा किया है 5 से
तो मैं उसे ढाई सौ। यदि प्रत्येक संख्या में पांच जोड़े जाए तो 20 में पांच जोड़ के तुम्हें 25 अंक। ठीक है बेटा, गुणा करे तो गुणा करना है और प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए तो औसत में जोड़ देना है। 20 लड़कों के समूह में, 20 लड़कों के समूह में, 20 लड़कों के समूह में 60 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर 60 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति रहने से, नया व्यक्ति रहने से, नया व्यक्ति रहने से औसत भार में एक पॉइंट पांच किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। एक पॉइंट पांच किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार क्या है? नए व्यक्ति का भार क्या है? देखो टोटल बच्चे हैं 20 और एक 20 व्यक्तियों में से, 20 लड़कों में से 60 किलोग्राम का व्यक्ति एक निकाल दिया, एक नया ले। अब उससे बाद 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, यानी कि 1.5 किलोग्राम प्रत्येक 20 में हो गए, यानी कि हर लड़के में 1.5 किलोग्राम बढ़ गया, तो टोटल जो भार है ये 30 किलोग्राम बढ़ गया। 20 को 1.5 से गुणा करेंगे तो या फिर पॉइंट हटा लो, 5 × 15, 5 × 10, 2 × 20, यानी कि 30 किलोग्राम का व्यक्ति हो गया। ठीक है, और 60 किलोग्राम का निकाल दिया तो 60 का तो जो नया आया है वो 60 वाला तो कवर करेगा, और प्लस 30 किलो और बढ़ गया तो जो नया लड़का आया है वो कितने किलोग्राम का आ गया? 90 किलो। नए व्यक्ति का भार कैसे निकालेंगे? नए व्यक्ति का भार निकालेंगे, निकाले गए व्यक्ति का भार, निकाले गए व्यक्ति का भार जमा कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं और गुणा वृद्धि कितने की हुई है। निकाले गए व्यक्ति का भार निकाला है 60 किलो का, कुल व्यक्ति है 20 और गुणा वृद्धि हुई है 1.5 किलोग्राम की, तो पहले गुणा सॉल्व करेंगे, 60 जमा 20 और 20 को 1.5 का मतलब है अपॉन 10, 10 × 20, 15 × 30, यानी कि नए व्यक्ति का भार है 90 किलो। यदि यहां नया व्यक्ति लेने से औसत भार में कमी होती वृद्धि की बजाय, तो यहां प्लस की बजाय माइनस करते और कुल व्यक्ति एचपी रहता गुणा वृद्धि की जगह कमी करते। यदि 1.5 किलोग्राम की कमी हो गई तो नया व्यक्ति कितने का हो गया? ये नया व्यक्ति हो गया 60 किलोग्राम का निकाल दिया लेकिन कमी हो गई, और ये कमी 1.5 किलोग्राम प्रति के हिसाब से हो गई, तो जो नया व्यक्ति है ये मात्र 30 किलोग्राम। तो ये देखना है कि यहां वृद्धि हुई है या कमी है, कमी में माइनस रखना है और वृद्धि में प्लस करना है। ठीक है, सो एक होता है माध्य, एक होता है माध्यिका और एक होता है बहुलक। ये होता है मीन, मोड और मीडियन। मीन, मोड और मीडियन, माध्यिका या फिर इसको माध्य क्यों बोलते हैं? तो माध्य तो क्या होता है? माध्य होता है जो मीन होता है,
आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों की संख्या। देखो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, कितनी भी संख्या दे दे तुम्हें, 3, 5, 9, 7, 10 और माध्य पूछा जाए तो सारी पांचों संख्याओं को जोड़कर और तुम्हें 5 का भाग देना है, दैट इज मीन। मीन क्या होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मीडियन क्या होता है, 3, 9, 5, 7, 11, 6, 3, 4, 15, 21, 22, 16 जैसे। अब जैसे ये दे दिया, एक सीरीज दे दिया हमें, इसमें माध्य का निकालना है, इसमें मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होता है, पहले तो इसको या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो या असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। 3, 3 के बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा। तो बीच की संख्या हमेशा माध्य का या माध्य होता है। यहां 4 छोड़ दिया, यहां 4 छोड़ दिया, बीच में क्या बच गया, 7। तो इस सीरीज का जो मीडियन आएगा वो 7 आएगा। यदि बीच में एक संख्या, इस बीच में एक संख्या की बजाय 2 बचे, 4 ये 4 ये 2 बच गई, दोनों को जोड़ो 2 का भाग, ये माध्य, ठीक है। बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वह बहुलक होता है। एक तो कोई सीरीज दे देंगे तो इसमें जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी, जो सबसे अधिक बार आएगी वही बहुलक होता है। 5 इसमें सबसे अधिक बार 4 बार आए, इसकी बारंबारता 4 बार है, इसलिए बहुलक 5 आएगा। एक बहुलक जो होता है, बहुलक जो होता है वो 3 को तो दी गई माध्यिका से गुणा करना है और 2 को माध्य से गुणा करना है और इनको घटाना है, दैट इज बहुलक। ये होता है मोड, बहुलक होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ठीक है। तीन वर्ष पहले एक दंपत्ति की औसत आयु 19 वर्ष थी। 19 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद जो एवरेज है, जो औसत है, यह है 15 वर्ष हो गए। बच्चे की आयु क्या है, देखो इसको समझना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 3 वर्ष पहले की बात है, दंपत्ति होता है पति और पत्नी का जोड़ा। तो 3 वर्ष पहले जो पति और पत्नी है, इसकी जो एवरेज है वो 19 वर्ष है, तो दोनों की कुल आयु हो गई 38 वर्ष। पर ये कंडीशन है, ये है 3 वर्ष पहले। आज ये दोनों पति पत्नी वर्तमान में कितनी साल की हो गई, ये हो गए 44 साल। 6 क्यों जोड़ दिया ये बताओ, 3 का पति और 3 की पत्नी। बट आज की कंडीशन है कि बच्चे ने जन्म ले लिया और लेने के बाद एवरेज 15 वर्ष हो गई। एक तो हो गया पति और एक हो गई पत्नी और एक हो गया बच्चा, कैंडिडेट हो गए 3। इन तीनों की जो एवरेज है वो 15 वर्ष है और 15 + 3 = 45, तीनों हो गए 45 के। आज दोनों है 44 के, तो बच्चे की आयु हो गई 1 वर्ष। 3 से गुणा क्यों कर दिया कि एवरेज 15 है तीनों का, तो 3 है तो तीनों की कुल आयु हो गई 45। 45 के तीनों, दोनों 44 के, तो 1 साल क्यों बढ़ गई कि 1 साल आयु हो गया बच्चे। उतारो इसको, सुनो बढ़िया प्रश्न।
ठीक है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने दस पारियों में कुछ रन बनाए, अच्छा ग्यारहवीं पारी में उसने सौ रन बनाए, इससे जो उसकी औसत रन संख्या है यह है 6 रन प्रति अधिक हो गए। इसकी जो औसत रन संख्या है 6 रन प्रति अधिक हो गए। तो अंतिम पारी के बाद औसत रन संख्या क्या है? क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पारियों में कुछ रन बनाए, 11वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, इससे उसकी जो औसत रन संख्या है 6 रन प्रति अधिक हो गई। यानी कि मान लो कि उसने उसके अंतिम पारी की औसत x मान ली, टोटल 11 पारियां खेल ली, 11 x रन बना दिए, ठीक है। 10 पारियों में उसने कुछ रन बनाए, तो 10 पारियों में उसने कुछ रन बनाए, उस रनों का 6 रन प्रति अधिक हो गई, बराबर अंतर रनों का आ गया 100 का। एक बात ध्यान रखो कि ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो 20 सेकंड में आंसर कैसे निकालोगे कि अंतिम पारी के उसके कितने रन है, अंतिम पारी के रन कितने हैं, माइनस पहले कितनी पारियां खेली, पहले खेली 10 पारियां, खेली गई पारियां और गुणा औसत में वृद्धि कितनी की होंगे। अंतिम पारी में 100 रन बनाए, 10 पारियां खेली, वृद्धि हो गई 6 रन की, तो अंतिम पारी का जो उसका एवरेज आएगा वो 40 है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है ये, कि 5 के 10 गुणनजों का औसत बताना है, 5 के 10 गुणनजों का औसत। गुणनज क्या होते हैं कि 5 को बारो 10 तक ले गए। एक तो यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि किसी भी कोई भी ऐसी सीरीज दी गई है और जिसका अंतर बराबर है और तुम्हें एवरेज निकालना है, तो सारी संख्याओं को जोड़कर 3 और 3 6 7 संख्याएं हैं, 7 का भाग देते हैं। पर एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि यदि इनका अंतर बराबर होता है तो बीच की संख्या हमेशा एवरेज होती है। यदि जोड़ के भाग दोगे जब भी वही आएगा, और 3 इधर छोड़ दो, ये इसका एवरेज है। यदि संख्याएं बीच में 2 बच गई, मैं 3 इधर छोड़ दिया, बीच में 2 बच गई, तो दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग लेना है। पर ये कंडीशन जब है जब अंतर बराबर है, गुणनज का मतलब 10 का 5 का बड़ा 10 तक लेना है, 5 × 10 = 15, 5 × 20, तो जब भी तुम्हें गुणनजों का एवरेज निकालना है तो एक बात ध्यान रखनी है कि इनका अंतर गुणनजों का अंतर बराबर रहता है, 5 × 5 = 5, 6 × 6 = 6, तो 10 गुणनज है, 4 इधर से छोड़ दो, बीच में कितनी बच गई संख्याएं, 2 बच गई, दोनों को जोड़ो 2 का भाग दो, यानी कि इसका जो एवरेज आएगा 27.5 आएगा। तो गुणनजों का औसत हो या अंतर बराबर, बीच की संख्या एवरेज होती है, बीच में 2 बचे तो दोनों को जोड़ो 2 का। ठीक है, अब एवरेज की एक क्लास शाम को लेंगे 4 बजे।